हेलो एवरीवन, ना मैदा ना आटा ना ही डाली है हमने सूजी, दो चीज़ों से बनाएंगे आज हम ये प्यारी सी रेसिपी। 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी और झटपट तैयार और झटपट ख़त्म होने वाली रेसिपी, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी। चलो चलते हैं बनाने के लिए। लेंगे यहाँ हम उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ 3 उबले हुए आलू का इस्तेमाल किया, जिसको मैंने कट पीस कर लिए थे उबालते समय। तो आप इसको कद्दूकस कर लीजिएगा या फिर आप इसको मैश भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कीजिएगा कि इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर तलने के समय हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मल नमक रहता है, और 1 चम्मच थोड़ा सा कम मैंने यहाँ चीनी इस्तेमाल की है। चीनी को आप पीस कर यूज कीजिएगा, यानी कि शक्कर को पीस के यूज कीजिएगा। और डाला है इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डाला है, चुटकी भर डाला है इसमें काली मिर्च का पाउडर। ये आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन कितना थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा चटपटा स्वाद आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो बाकी मैंने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली, धनिया पत्ती, कुछ भी मसाला जैसे हो गया, धनिया पाउडर हो गया। तो मैं यहाँ कुछ ऐड नहीं की हूँ, बिल्कुल सिंपल स्नैक्स मैंने आज ये बनाए। और थोड़ा सा तेल लेंगे, लगभग 1 चम्मच इसमें ऐड कर लेंगे, और 1 आटा सा हम इसका गूंद लेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर तेल में जाकर ये छींटे मारेगा, इसलिए पानी का प्रयोग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तेल लेकर बस थोड़ा सा हाथों से गूंद लीजिएगा। अब मैंने हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, और छोटी छोटी सी इसकी लोई बना लेंगे। लोई बना लीजिए या कोई भी शेप आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोटे छोटे से एक बॉल बनाई हूँ। बहुत सुंदर दिखता है, ऐसी रेसिपी ना अच्छी लगती है खाने में भी और बनाने में भी। तो छोटे छोटे से इसके बॉल बना लेंगे हम, सभी को बनाकर ऐसे रख लीजिएगा, उसके बाद इसको आप तलिएगा। तो इकट्ठा बनाकर सबको हम रख लेंगे। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इसमें ज़्यादा मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। तो मैंने सब यहाँ पर कर लिया है। अब वहाँ पर मैंने तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तो तेल आकर जब अच्छे से गरम हो जाए तो तुरंत उसको मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि अब इसमें हम डालने वाले हैं तो ऐसा ना हो कि जल जाए। तो अब पहले तेल आपका हीट अच्छे से गरम होना चाहिए, जब इसको आप डालो तो आपका फ्लेम लो टू मीडियम हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम एक एक करके सबको डाल देंगे, और डालते समय आप सावधानी रखिएगा, इकट्ठा मत डालिएगा। तो एक एक करके आराम से डालेंगे, और जब ये अच्छे से नीचे की तरफ सिक जाए, यानी कि अच्छे से तल जाए, तभी इसको पलटिएगा। उससे पहले आप करछी बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल भी पलटा मत लगाइएगा, क्योंकि फिर वो फट जाते हैं और टूट जाते हैं, तो हमको तोड़ना नहीं है। तो इसलिए जब अच्छे से ये सिक जाए, ऊपर से भी थोड़ी थोड़ा सा ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, तभी इसको हम पलटेंगे। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, जब अच्छे से हो जाए तभी पलटिएगा। तो देखिए मेरा ऊपर से भी हल्का हल्का से ब्राउन होने लग गए थे, तब मैं इसको पलटी तो आराम से पलट गए थे। तो कच्चे में बिल्कुल मत छेड़िएगा। तो बस इसको अब हम पलट लेंगे, और दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, यानी कि तल लेंगे। तो ये तल जाए तो बस इसको हम निकाल लेंगे। है ना बिल्कुल ईजी रेसिपी, और बिल्कुल झटपट 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अगर आप इसको चटनी के साथ खा रहे हो तो चटनी बनाने में आपको समय लगेगा, 5 से 7 मिनट में रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे सबको, और इसका किसी भी टिश्यू पेपर में निकाल सकते हो, ताकि जितना भी इसका तेल है वो टिश्यू पेपर में चला जाए, या फिर एक छन्नी में निकाल सकते हो, ताकि जितना भी तेल है वो एक अलग से में निकल जाए। तो हमें दूसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, लेकिन एक एक करके थोड़े से गैप गैप में इसको डालिएगा। ये चिपकेंगे भी आपस में, लेकिन जब अच्छे से ही पक जाएंगे ना तो फिर चिपकते भी नहीं हैं। देखिए अच्छे से पक गए थे तो चिपके भी नहीं। कच्चे में ज़रूर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप इसको कच्चे में पलटना शुरू कर देंगे। तो होगी हमारी रेसिपी तैयार, बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल। आपको कैसी लगी है रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और झटपट तैयार होने वाली है, तो संडे का एंजॉय कीजिए इस रेसिपी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको बना भी लीजिएगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बिल्कुल बॉल जैसी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी। तो चलो अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से, कि कितनी अच्छी है ये रेसिपी। बाहर से आपको बिल्कुल क्रिस्पी लग रही है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है। ये देखिए इसको बड़े बच्चे सब खा सकते हैं, इतनी टेस्टी रेसिपी। और बच्चों की तो ये फेवरेट है, तो आप इसको फिंगर चिप्स भी बोल सकते हो, आप इसको
पोटैटो बॉल्स भी बोल सकते हो, कोई भी रेसिपी इसको आप नाम दे सकते हो, लेकिन लाजवाब रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नई रेसिपी के साथ, खट्टी मीठी तीखी।